दोस्तों आपने कहानियों में सुना होगा कि राजा महाराजा अपने किले के साथ टनल बनवाते थे, सुरंग बनवाते थे, ताकि किसी अटैक के किसी इमरजेंसी सिचुएशन में वो आराम से सेफ एंड साउंड किसी लोकेशन पे पहुंच जाएं सीक्रेटली। और बिल्कुल वैसे ही इंटरनेट के केस में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं, जो आप VPNs होते हैं, जो आपको एक टनल बना के देते हैं किसी सेफ एंड साउंड लोकेशन तक, ताकि आप जो भी डेटा एक्सेस करना चाहते हैं वो आप एक्सेस कर पाएं। आज की इस वीडियो में इसी बारे में जानेंगे और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीकाचार्य और आज बात करेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि VPN के बारे में। दोस्तों VPN समझने से पहले नेटवर्क समझ लेते हैं कि क्या है। जैसे हमारे घर होते हैं, मोहल्ले होते हैं, बस स्टेशन, ट्रेन स्टेशन वगैरह से इन्हें कनेक्ट करती हैं सड़कें, वैसे ही इंटरनेट इन और इन सड़कों के कलेक्शन को, सड़कों का एक नेटवर्क बन जाता है, एक नेक्सस बन जाता है, जाल बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही कुछ डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, सर्वर्स वगैरह, कंप्यूटर्स, आपके IoT डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस, जो आपस में कनेक्टेड है किसी न किसी मीडियम से, वायर्ड या वायरलेस से, ये जो इंटरकनेक्शन है ये मिलके बनाते हैं इंटरनेट, इनको कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं इंटरनेट। और ऐसे में जब जैसे आप सड़क पर चलते हैं तो आपको आसपास के लोग देख सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, और आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं पर्टिकुलरली। वैसे ही इंटरनेट पर जब आप कोई डेटा ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, उस वक्त आपका डेटा पैकेट स्निफ किया जा सकता है और स्निफ करके उस पर ईवड्रॉपिंग, जैसे सड़क पर चलते हुए ईवड्रॉपिंग की जा सकती है, किसी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही आपके जो डेटा पैकेट आप सेंड कर रहे हैं इंटरनेट पे मीडियम के थ्रू, उस पर ईवड्रॉपिंग की जा सकती है, जैसे नेटवर्क ईवड्रॉपिंग कहते हैं। स्निफिंग के जरिए ऐसा, स्निफिंग टेक्निक्स और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिनके जरिए ईवड्रॉपिंग की जा सकती है। तो ऐसे में एंटरप्राइज लेवल में जो डेटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंटरप्राइजेस के लिए, और इसको सर्कमवेंट करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए, ऐसे ईवड्रॉपिंग को काउंटर करने के लिए पीयर टू पीयर टनलिंग प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किया था गुरदीप सिंह जी ने, जो माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉय थे 1996 के आसपास। तो ये PPTP जो प्रोटोकॉल था वो बेसिकली VPN का फाउंडिंग स्टोन था, वहीं से VPN की शुरुआत हुई थी। और VPN बेसिकली आपको एक टनल देता है, जैसे कि अगर आपके पास, मान लीजिए कि एक टनल हो जिसकी चाबी सिर्फ आपके पास है, तो आप टनल का दरवाज़ा खोलेंगे, उसके दरवाजे की चाबी आपके पास है क्योंकि, तो आप दरवाज़ा खोलेंगे, टनल में चले जाएंगे। अब आपको बाहर खड़ा हुआ कोई भी आदमी ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि आप टनल में कर क्या रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं या रुके हुए हैं। बिल्कुल वैसे ही VPN आपको एक टनल देता है जिसमें आप यूजर नेम पासवर्ड डाल के एंटर करते हैं, और एक बार आप VPN के अंदर पहुंच गए तो वहां पे फिर एक्सटर्नल एजेंसीज, जो थर्ड पार्टीज होती हैं, वो आपके डेटा पे ईज ड्रॉपिंग नहीं कर सकती हैं। ये इंटरप्राइजेस के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा क्योंकि उनके जो यूनिट्स होती, बिजनेस यूनिट्स होती हैं, वो अलग अलग जगह होती है। जैसे फर्ज करिए कोई रिटेल स्टोर है, उसकी शहर के अंदर कई सारी स्टोर्स हैं, और फिर पूरे भारत में उसके कई सारे स्टोर हैं, पूरे वर्ल्ड में उनके कई सारे स्टोर्स हैं। तो ऐसे में जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो एक सिंगल डेटा सेंटर में, जहां पे उनका सारा डेटा स्टोर्ड होगा कि कितना, कितनी इन्वेंट्री है कि हर एक स्टोर में, और कितना सेल, कितना रिसीव हो रहा है हर एक स्टोर में, वो सारा एक डेटा सेंटर में स्टोर होता है। और फिर सारे वो स्टोर्स जो हैं, इंडिविजुअल स्टोर्स हैं, वो उस डेटा सेंटर से कम्युनिकेट करते हैं। तो ऐसे में ये डेटा जो कम्युनिकेट हो रहा है वो कम्युनिकेशन काफ़ी सिक्योर होना चाहिए, नहीं तो डेटा लीक होने का खतरा ज़्यादा होता है एंटरप्राइज के लिए। तो बेसिकली VPN दो टाइप के होते हैं। पहला तो होता है रिमोट एक्सेस VPN, जो कि जनरली इंडिविजुअल्स को दिया जाता है। जैसे वर्क फ्रॉम होम अगर आपने कभी किया हो तो कंपनीज, एंटरप्राइजेस अपने एम्प्लॉयज़ को यूजर नेम पासवर्ड दे देते हैं, जिससे वो लॉगिन करते हैं VPN क्लाइंट के अंदर, और उसके बाद कंपनी ने जो भी एक्सेस उन्हें दिए होंगे मेल का, या जो भी एप्लीकेशन जिनके एक्सेस उन्हें दिए होंगे, वो उसे एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि रिटेल स्टोर का, तो ऐसे केस में जब बिजनेस यूनिट आपस में कम्युनिकेट कर, तो ये होता है साइट टू साइट VPN, और ऐसा जनरली बिजनेस यूनिट्स के बीच में ही होता है। दोस्तों ये तो हो गया एंटरप्राइज लेवल पे VPN के फायदे और VPN की थोड़ी बहुत हिस्ट्री, और VPN बेसिकली कैसे काम, VPN बेसिकली है क्या। अब इसके रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो कई सारी कंट्रीज में गवर्नमेंट सेंसरशिप करती है, कई सारी कंट्रीज में गवर्नमेंट कुछ वेबसाइट को रेस्ट्रिक्ट कर देती है, एक्सेस ब्लॉक कर देती है अपने यूज, अपने सिटीजन्स का। तो ऐसे केस में आप किसी और सर्वर पे, किसी और कंट्री के सर्वर पे, जहां पे वो वेबसाइट रेस्ट्रिक्टेड नहीं है VPN के द्वारा, उस कंट्री के सर्वर से कनेक्ट
कनेक्ट होकर उस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने स्पॉटिफाई एक्सेस करना चाहता था मैं कुछ सालों पहले, तो स्पॉटिफाई यूएस में अवेलेबल है पर अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो मैंने टनलवेयर नाम का एक वीपीएन क्लाइंट इंस्टॉल किया और अपने आप को खुद को यूएस के एक सर्वर से कनेक्ट कर लिया और खुद के मोबाइल फोन पे स्पॉटिफाई से एक अकाउंट क्रिएट कर लिया और उसके बाद मैं स्पॉटिफाई एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से आप किसी कंट्री रिस्ट्रिक्शन को सर्कमवेंट कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। चाइना में जैसे आप कभी किसी, चाइना में बहुत सारी गवर्नमेंट सेंसरशिप बहुत ज़्यादा टाइट है, तो जैसे आप कभी किसी कंट्री में घूमने जा रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे कोई पर्टिकुलर सर्विसेज जो आप इंडिया में यूज़ करते थे या अपनी होम कंट्री में यूज़ करते थे वो फॉरेन कंट्री में अवेलेबल ना हो या ब्लॉक कर रखा हो गवर्नमेंट ने, तो उस केस में भी आप वीपीएन यूज़ करके उस पर्टिकुलर सर्विस जो आप एक्सेस करना चाहते हैं को एक्सेस कर सकते हैं। टनलवेयर मैंने इसलिए बताया था क्योंकि टनलवेयर आपको फ्री डेटा अलाउ करता है और दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड। ओके, तो टनलवेयर में आप एप्लीकेशन जब खोल लेंगे तो आप एप्लीकेशन के अंदर ही आपको दो तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप इसे ट्विटर पे शेयर कर दो तो 500 MB डेटा मिल जाएगा, फेसबुक पे शेयर कर दो तो 500 MB डेटा मिल जाएगा। तो ऐसे टनलवेयर आपको फ्री डेटा एक्सेस करने को दे देता है जिससे आपका काम निकल सकता है और फिर आप बाद में उसे अनइंस्टॉल कर दो या कंटिन्यू यूज करते रहो, उससे वो आपकी चॉइस है, वो आपकी कॉल है। तो वीपीएन का एक एप्लीकेशन तो ये हो गया। दूसरा एप्लीकेशन है जो ब्लॉकडा जैसा फ्री और ओपन सोर्स एप्लीकेशन यूटिलाइज करता है, वो ये है कि अगर आप ब्लॉकडा अपने एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये आपके फोन के अंदर एक वेब सर्वर होस्ट कर देता है और फिर जितनी भी रिक्वेस्ट आपके फोन से आती हैं या जाती हैं उसमें से जितनी भी एड रिक्वेस्ट होती है उसके पास एक लिस्ट होती है कि ये सारे एड डोमेन्स हैं और जितने भी एडवर्टीजमेंट की डोमेन्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली उन्हें फिल्टर कर देता है जिससे आपके फोन में एडवर्टीजमेंट नहीं आते हैं। तो एक सिस्टम लेवल एड ब्लॉकिंग हो जाती है और ये भी VPN सर्विस का ही यूज करता है, एक VPN क्लाइंट की तरह बिहेव करता है। एक और सर्विस है जो ऐसे ही कुछ फीचर ऑफर करती है वो है AdGuard। AdGuard पेड है और ब्लॉकडा फ्री है, तो आप ब्लॉकडा ट्राई कर सकते हैं। मैंने इन सारी चीजों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मुझे, एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल मुझे मिला था VPN पे, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दोस्तों लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, शेयर करिए इसे अपने दोस्तों के साथ जिन्हें टेक्नोलॉजी में जरा भी इंटरेस्ट है, जो VPN के बारे में जानना चाहते हो, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं इस चैनल में। आज का जो वीडियो है VPN पे, वो अभिषेक अग्रहरी जी ने कमेंट करके मुझे बोला था कि VPN पे अगला वीडियो बनाइए, तो मैंने VPN पे वीडियो बना दिया। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं कंटेंट की क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकता हूं और आप आगे क्या देखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि सब्सक्रिप्शन यार मोटिवेट करता है मुझे, और बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलरली डिलीवर होते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका सपोर्ट बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।